हाँ, सो गेट योर न्यूमरेसी वर्कबुक एंड ओपन पेज नंबर 1717. टुडे वी आर गोइंग टू डू द कॉन्सेप्ट बिफोर एंड आफ्टर. सो दिस कॉन्सेप्ट यू ऑलरेडी नो बिकॉज हम मैथ्स में करते हैं इसे, है ना, बिफोर एंड आफ्टर. सो व्हाट डू यू मीन बाय बिफोर? बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले, एंड आफ्टर मतलब बाद में. व्हाट डू यू मीन बाय आफ्टर? बाद में. बिफोर मतलब पहले एंड आफ्टर मतलब बाद में. फॉर एग्जाम्पल देर आर थ्री थिंग्स गिवन, मून, स्टार एंड सन. ओके, सो व्हाट इज बिफोर स्टार? अगर मैंने पूछा आपसे कि व्हाट इज बिफोर स्टार, स्टार के पहले क्या है, तो आप क्या बोलोगे? यस, इट्स मून. इट इज बिफोर स्टार, स्टार के पहले है. एंड व्हाट इज आफ्टर स्टार, स्टार के बाद में क्या है? सन. सो दिस इज आफ्टर स्टार. ठीक है, मतलब बाद में. बिफोर मतलब पहले, मून इज बिफोर द स्टार, एंड आफ्टर मतलब बाद में. द सन इज आफ्टर द स्टार, मतलब स्टार के बाद है. बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में. बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू? सर्कल द थिंग्स दैट इज बिफोर द टायर. टायर के पहले जो चीज है उसको आपको सर्कल करना है. बिफोर यू हैव टू अनसर्कल द थिंग विच कम्स विच इज बिफोर द टायर. सो व्हाट इज बिफोर टायर? यस, इट्स सन. So encircle the sun. Before, before मतलब पहले. Sun, the sun is before the tire. Tire के पहले क्या है? Sun. नेक्स्ट, सन सर्कल द थिंग दैट इज आफ्टर द बाथटब. यू हैव टू एनसर्कल द थिंग विच कम विच इज आफ्टर द बाथटब. सो बाथटब के बाद क्या है? गिटार. गिटार इज आफ्टर द बाथटब. Now next, circle the thing that is just before the ball. Ball के पहले क्या है उसको आपको encircle करना है. So it is wheel, pin wheel. So you have to encircle this. Okay? So this is the concept of before and after. Before मतलब पहले, after मतलब बाद में. Done? Yes, Satvik. यश ऊपर करो. ऑल राइट, गुड. गेट योर हिंदी कॉपी एंड राइट डाउन टुडेज डेट. द डेट इज 3 January 2022. 3/1/2022.
उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं रूहान? सीधे बैठिए, शब्द। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू राइट दो अक्षर वाले शब्द। आपको हर शब्द को 3-3 टाइम्स लिखना इन योर कॉपी। यू हैव टू राइट ईच शब्द 3 टाइम्स। ओके, दो अक्षर वाले शब्द। ओके, सो द फर्स्ट वन, व्हाट इज द पिक्चर? व्हाट इज द फर्स्ट पिक्चर? नल, ना प्लस ला। आपको पता है ना प्लस का मतलब? प्लस मतलब होता है जोड़ना। तो जब हम ला और ना और ला को जोड़ेंगे, जब हम ना और ला को एक साथ लाएंगे तो क्या बन जाएगा? ना ला नल, ना ला नल। ना ला नल। Come on. So each शब्द you have to write 3 times. आपको हर शब्द को 3 बार लिखना है। ना ला नल। We'll do one thing. हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। नल, ना ला नल। ना ला नल। नंबर टू, बोल कर लिखना। ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ दोनों अक्षर है, अलग अलग व्यंजन है, ना और ल। पर जब हम इन व्यंजन को साथ में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? शब्द। नाला नल, नाला नल। Then, what is the next picture? Ha, la, hal. Ha or la? जब हम ha और la को साथ में मिलाएंगे, जब हम दो या दो से ज्यादा अक्षरों को एक साथ लिखें, तो उसको शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शब्द। तो हा और ला तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? हल। हा ला हल। हा ला हल। ठीक है, यहां देखो हमने दो अक्षरों को, अलग अलग अक्षरों को हमने साथ में लिखा, तो ये अक्षर क्या बन गए साथ में मिलकर? शब्द। ऑलराइट, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब हम दो या दो से ज्यादा शब्द अक्षरों को एक साथ लिखें
तो वो क्या बनाते हैं? शब्द, और उनका कुछ मतलब भी निकलना चाहिए, ठीक है? हल हर शब्द को आपको तीन बार लिखना है एंड राइटिंग सही होनी चाहिए. लिसन बच्चों, वन मोर थिंग, यू पे अटेंशन. हमेशा हम अक्षर के ऊपर ये स्लीपिंग लाइन बनाते हैं ना, तो जब हम इन अक्षरों को साथ में लिखेंगे तो हम साथ में स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे, ठीक है? जब हम दो अक्षरों को साथ में लिखेंगे तो हम दोनों की स्लीपिंग लाइन साथ में बनाएंगे. Then number three. What is this? फल, फला, फल. जब जो फ्रूट्स होते हैं इंग्लिश में उनको हिंदी में फल कहते हैं, ठीक है? तो फा अलग है यहाँ पर एंड ल अलग है ना? तो जब हम इन दोनों अक्षरों को साथ में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा शब्द? फा ला फल. दो अक्षर हैं तो दो अक्षर वाले शब्द, है ना? दो अक्षर है ना यहाँ पर, वन टू, वन टू. तो ये कौन से अक्षर वाले शब्द हुए? दो अक्षर वाले शब्द, फ ल फल. फल, फल. फल. नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट इज जग. कौन से दो अक्षर से बनाए जग? ज और ग. तो जब हम ज और ग को साथ में मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? जग, 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 जग. जग, जग. जग. नेक्स्ट, हर शब्द को आपको थ्री टाइम्स लिखना है. यू हैव टू राइट ईच शब्द थ्री टाइम्स. नल, नल, नल. हल, हल. फल, फल. जग, जग. Now, next.
Next is to and bo. To bo. So to ba tub. The tub. Nala nal, hala hal, fala fal, jaga jug, and toba tub. And I don't have a space here, so I'm writing it here. Okay, the last one. Number 6. Ba and sa. कौन से दो अक्षर हैं हम बा और स. ठीक है, तो जब हम बा और स को साथ में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा? बा स बस. स्लीपिंग लाइन एक ही बनानी है. जब आप अक्षरों को साथ में लिखेंगे तो स्लीपिंग लाइन भी साथ आएगी. ब स बस. ब स बस. ओके. हला हल, फला फल, जगा जग, टब टप, बसा बस. Okay, write down neatly.